यारे कुर्दली, ये एक कन्नड़ भाषा की साउथ मूवी है जिसको कल YouTube के गोल्ड माइंड टेलीफिल्म्स चैनल ने हिंदी भाषा में डब करके रिलीज कर दिया गया है। पर सबसे पहले आपको बता दूं, ये ओरिजिनल मूवी नहीं है, ये तमिल भाषा की कन्नड़ रीमेक मूवी है। तो खैर, हिंदी में उसको डब कर दिया गया है, हिंदी में उसको नाम दिया गया है द नायक हीरो 2। खैर, मूवी कैसी है, अच्छी है या नहीं, देखने लायक है या नहीं, किसने इस मूवी में मुख्य भूमिकाएं निभाई है, इस बातों पर चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पूरन ओली नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक माइंड अली में। पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार कास्ट की। इसमें आपको देखने को मिलेंगे पुनीत राजकुमार, योगेश और भावना। अब आते हैं मूवी के प्लॉट पर। लेकर देखिए, मूवी में कुछ ज्यादा नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही कहानी है कि जमीन जायदाद के लालच में अपनों का ही कत्ल करना, जो आप बहुत सी बॉलीवुड और साउथ मूवीज में पहले ही देख चुके हैं। खैर, बात करें इस मूवी की तो मूवी स्टार्ट होती है पागलखाने से, जहां पर दिखाया गया है हमारे लीड कैरेक्टर पुनीत राजकुमार मतलब कुमार को। अब ये पागलखाने में कैसे आए इस बारे में आपको बता देता हूँ। इनकी जो जायदाद है वो है लगभग 100 करोड़ की, जो होती है इनके दादा के नाम पर, वो करते हैं अपने पोते के नाम पर मतलब कुमार के नाम पर। अब जो कुमार के पिता है उनका अफेयर है किसी और लेडी के साथ जिससे वो शादी कर लेते हैं, और जो कुमार की माँ होती है उसको एक कमरे में बंद करके रख देते हैं और गांव वालों को ये भरोसा दिला देते हैं कि वो पागल हो चुकी है। पर जब उनको पता चलता है कि उनकी सारी जायदाद कुमार के नाम पर हो चुकी है और जो उनके दादा है उन्होंने जो अपने बेटे है उसके नाम पर कुछ भी नहीं रखा है, सब अपने पोते के नाम पर कर दिया है, तो जो कुमार के पिता होते हैं वो अपनी वाइफ और अपने पिता दोनों का कत्ल कर देते हैं। जब ये बात कुमार को पता चलती है तो कुमार वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जो उनके पिता होते हैं वो उसको पकड़कर पागलखाने में डाल देते हैं। अब उनका एक मकसद ये होता है कुमार को किसी तरह पागल करके उसकी सारी जायदाद अपने नाम करा ले। पर जब कुमार को ये बात पता चल जाती है कि उसके घर वाले उसको जबरदस्ती पागल करने के पीछे पड़े हैं, तो कुमार पागलखाने से भाग जाता है। अब जो उसके परिवार वाले होते हैं वो बन जाते हैं इसके जान के दुश्मन, मतलब बस जायदाद किसी भी तरह अपने नाम करानी है, चाहे वो उसको पागल करके करानी हो या उसका मर्डर करके कराना हो। अब जायदाद में ऐसा है क्या कि उसका परिवार से पागल कराने के पीछे पड़ गया है? जायदाद है असल में 100 करोड़ की, जिसके जहां पर जमीन है वहां पर मिलता है यूरेनियम, मतलब एक बड़ी कंपनी उसको खरीदना चाह रही है। अब 100 करोड़ के लालच में अपने ही जान के दुश्मन बन चुके हैं कुमार के। खैर, कुमार किसी तरह पागलखाने से भागता है और एक शहर में दूसरी जगह जाकर अलग से कुछ काम करने लगता है, जहां पर वो मजदूरों की या गरीबों की या असहाय लोगों की हेल्प करता है बिना किसी लालच के। पर किस्मत का खेल देखिए, इसके अपने फिर वहीं पर आ धमकते हैं, उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। अब क्या कुमार अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देगा, या फिर जिस तरह का बिहेवियर उनके साथ कर रहे हैं इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब कुमार उनको देगा, ये सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अब देखिए, मूवी के अंदर ज्यादा कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि इस तरह की स्टोरी तो हम पहले ही बहुत बार देख चुके हैं। अब अगर मूवी में कुछ नए बन की बात करें तो वो है इसकी एक्टिंग। जो कैरेक्टर्स मूवी में लिए गए हैं उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। बात करूं चाहे पुनीत राजकुमार की, या फिर योगेश की, या फिर भावना की, या फिर इस मूवी के मेन विलेन्स की, जितने भी हैं सब अपने रोल में बखूबी अच्छे लगे हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस सभी ने दी है। जहां जहां एक्शन सीन्स आते हैं वहां पर पुनीत राजकुमार एकदम लाजवाब है। साथ में उनका जो साइड कैरेक्टर है, उनका जो दोस्त का किरदार निभाया है योगेश ने, उन्होंने बखूबी एक्शन से उनका साथ दिया है, और जितने भी एक्शन से कमाल के एक्शन से देखने लायक है। गजब का डायरेक्शन वहां पर किया गया है और सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। बात करूं अगर नेगेटिव पॉइंट की तो कहानी में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसकी कहानी ही है। जी हाँ, क्योंकि इस तरह की कहानी हम पहले कई बार देख चुके हैं, इसलिए कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, ना कोई सस्पेंस है, ना कोई ट्विस्ट है, ना कोई थ्रिल है। बात करूं अगर एक और नेगेटिव पॉइंट की तो है इसकी लेंथ है लगभग 2.25 घंटे की, क्योंकि कहानी काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और 2.25 घंटे मूवी को झेलना थोड़ा भारी हो जाता है, खासकर मूवी के फर्स्ट हाफ में मूवी काफी ज्यादा लंबी लगती है और कहीं कहीं पर तो बोर भी करती है। खैर, अगर बात करें ओवरऑल मूवी की कि ओवरऑल मूवी कैसी है, तो ओवरऑल मूवी एक एवरेज मूवी हम इसको बोल सकते हैं, एक वन टाइम वॉच मूवी बोल सकती है। वैसे पुनीत राजकुमार ने बैक टू बैक 12 सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी हो गई है। तो अगर आप पुनीत राजकुमार के फैन हैं तो एक बार इस मूवी को आप जरूर देख सकते हैं। अगर पुनीत राजकुमार के फैन नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा ज्यादा कुछ मूवी के अंदर है नहीं, क्योंकि इस तरह की मूवीज बॉलीवुड में बहुत आ चुकी हैं और साउथ इंडस्ट्री भी पहले काफी हद तक इस तरह की ही मूवी बनाता था। अब कुछ अलग कंटेंट यूज किया है, पर ये एक रीमेक मूवी है तो इसमें कंटेंट में कुछ भी अलग नहीं है, वही पिछले वाला कंटेंट जो का उसके अंदर डाल दिया गया है। बस अगर कुछ अच्छा है तो वह पुनीत राजकुमार की परफॉर्मेंस, उनके एक्शन, बाकी कुछ नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, जो कान को दर्द पहुंचाने का काम करता है।
खैर ओवरऑल मूवी में इतना ही। बात करें अगर रेटिंग की तो मेरी तरफ से मूवी को 5 में से 2 स्टार, 1 स्टार मूवी में जो मिलेगा वो मिलेगा पुनीत राजकुमार की परफॉर्मेंस के लिए, उनकी एक्टिंग, उनके एक्शंस जो उन्होंने काफी हद तक बखूबी बहुत अच्छे किए हैं। 1 स्टार मिलेगा जो मूवी में एक सोशल मैसेज दिया गया है उसके लिए। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।